हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं आज गोवा की ये फेमस रेसिपी जकूटी चिकन, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नारियल लिया है, इसका ऊपर का छिलका निकाल लेंगे। सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन को हमें पीस लेना है। इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसे हमें पीस लेना है। इसके बाद हम इसे छान लेंगे। इसका सारा पानी जो है अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए हमें कोकोनट मिल्क मिल गया है और इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल और जितने भी खड़े मसाले हो आपके पास वो आप यूज करें इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के ऐसे लंबे कटे हुए प्याज, इसे भी हमें हल्का सा भूनना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये नारियल का जो हमने पीसा था वो। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे इतना भूनना है जब तक प्याज हल्का सा ब्राउन ना होने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे अच्छे से। अब पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुआ प्याज। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया था चिकन वो डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बिना पानी डाले मैंने इसे ढक दिया है। अब इसे 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे हम। इसके बाद मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसमें डाल दिया है जो हमने प्याज और नारियल को भुना था, उसको डाल देंगे इसमें हम। 1 कटोरी पानी भी डालेंगे हम इसमें।
इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे एक बार स्टर करेंगे। ये देखिए चिकन जो है 90% पक चुका है। ये अब हम इसमें डालेंगे जो हमने नारियल का मिल्क बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। अब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ये हमारा चिकन बनके रेडी है। ये देखिए कितनी थिक सी ग्रेवी है इसकी। अब ये चिकन भी बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको आप राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।